हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के मॉड्यूल थर्ड के टॉपिक, जिसका नाम है जो कि है इमल्शंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम इस लेक्चर वीडियो में इमल्शन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि आखिरकार इमल्शन बनता कैसे, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये पता है कि इमल्शन जो होता है वो ऑयल और लिक्विड का इमिसिबल फॉर्म होता है, जिसे मिसिबल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो अब इसको एक बनाने का एक स्पेशल मेथड होता है, एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू ये बनता है, तभी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा देर तक की रहती है। अगर हम उसे प्रॉपरली डेवलप नहीं करेंगे तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है उससे सही प्रोसेस से बनाना है। जैसे चाय बना रहे हैं अगर हम लोग, तो अगर चाय में सही प्रोसेस से अगर चाय बनाएंगे तभी वो चाय अच्छी बनेगी, टेस्ट भी अच्छा होगा और स्टेबल भी रहेगा। ठीक है, जैसे हम पहले पानी डालें, उसके बाद दूध डालें, उसके बाद चाय पत्ती, फिर शक्कर, इस टाइप से अगर प्रोसेस से चलेंगे, प्रॉपरली उबालें तो टेस्ट सही आएगा। अगर उसमें से कोई भी एक प्रोसेस हमने नहीं की प्रॉपरली टाइम पे, और जिसके बाद जो डालना था वो नहीं डाला, तो फिर टेस्ट उसका इधर उधर हो जाएगा। वैसे ही हम इमल्शन अगर बना रहे हैं तो टेस्ट के साथ साथ वो ऑब्वियस बात है मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, तो वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, वो अपनी स्टेबिलिटी बेसिकली लूज़ कर लेगा। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन मेथड है। ये एक जनरल मेथड है कि दैट बिफोर प्रिपेयरिंग इमल्शन ऑयल सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटली डिसॉल्व्ड इन एप्रोप्रिएट फेज। ओके, अ सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट इज सेलेक्टेड फॉर टाइप ऑफ इमल्शन रिक्वायर्ड, देन आर डिसॉल्व्ड इन ऑयल और वाटर फेज। जनरली dispersed phase is gradually added to the continuous phase. Often a more viscous primary emulsion is formed than the bulk continuous phase is incorporated. This means इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं, ठीक है, सॉरी जब हम कोई भी इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन में कौन कौन से फेज़ होते हैं, एक ऑयल फेज़ होता है, एक वाटर फेज़ होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी इमल्शन बनाने के लिए जो ऑयल फेज़ है उसको अलग कर देना है, वाटर फेज़ को अलग कर देना है। ठीक है, ऑयल फेज़ को अलग से डिसॉल्व करना है ऑयल में, और वाटर को अलग से डिसॉल्व करना है वाटर फेज़ में। ठीक है, फिर उसके बाद ऑयल फेज़ को डिसॉल्व करने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वाटर फेज़ के लिए जो है वो उसको सेलेक्ट करके अलग अलग रखना है। ठीक है, एक सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि इन दोनों फेज़ के लिए सूटेबल हो। ठीक है, उस टाइप का हम इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे और फिर उसको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जनरली क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज़ होता है जो कम में रहता है उसे हम ऐड करते हैं कंटिन्यूस फेज़ में। सपोज़ अगर ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऑयल डिस्पर्स फेज़ हुआ, वाटर कंटिन्यूस फेज़ हुआ, तो हम ऑयल फेज़ को धीरे धीरे करके वाटर में डालेंगे। क्लियर हुआ? ये होता है एक जनरल मेथड जो हम करते हैं, ऑयल फेज़ को अलग करते हैं, वाटर फेज़ को अलग करते हैं, ऑयल को ऑयल फेज़ से मिलाते हैं, वाटर को वाटर फेज़ से मिलाते हैं। ठीक है, फिर एक ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट लेते हैं जो ऑयल और वाटर दोनों को मिसिबल फॉर्म में रखे और स्टेबल फॉर्म में रखे, उसको डिसॉल्व करते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ऑयल फेज़ होता है या फिर जो वाटर फेज़ होता है उसमें से जो भी डिस्पर्स्ड फेज़ हो, जो कम क्वांटिटी में हो, उसको हम कंटिन्यूस फेज़ में डालते हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि ऑयल इन वाटर टाइप में डिस्पर्स्ड फेज़ होगा ऑयल, क्योंकि वो कम होगा, और वाटर जो होगा वो कंटिन्यूस फेज़ होगा जिसमें हम ऑयल को डालेंगे। क्लियर हुआ? ये एक जनरल मेथड है हमारा इमल्शन फॉर्म करने का। ठीक है, अब जो टेक्निकल मेथड उसको किस वे में हम फॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में, ट्राइचुरेशन मेथड और बॉटल मेथड और फॉब्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्राइचुरेशन मेथड्स में नाम से समझ आ रहा है ट्राइचुरेशन करते हैं, यानी वी यूज़ हियर मोटर एंड पेस्टल, यहाँ पे हमें मोटर और पेसल का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आते हैं ड्राई गम मेथड और कॉन्टिनेंटल मेथड, और नेक्स्ट है हमारा वेट गम मेथड या फिर इंग्लिश मेथड। ये दो तरह के मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ट्राइचुरेशन मेथड के अंदर इमल्शन बनाने के लिए। और सेकंड मेथड है वो है बॉटल मेथड, जिसको हम लोग वोलेटाइल लिक्विड्स जो कि उड़ जाते हैं उसको हम बॉटल में अच्छे से कैप करके रखते हैं कि वो उड़े ना और इमल्शन बन जाए। क्लियर? तो एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड क्या होता है? देखो, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, दोनों ट्राइचुरेशन मेथड है, दोनों में हम मोटर पेसल यूज़ कर रहे हैं। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम इसमें जो मिक्सिंग करते हैं ऑयल और वाटर का, ठीक है, डिस्पोज फेज और कंटिन्यूस फेज का, वो मिक्सिंग मेथड जो रहती है वो डिफरेंट होती है। ड्राई से हमको समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा ड्राई टाइप का चीज़ पहले रहेगा, और वेट से समझ आता है वो थोड़ा गीला ज़्यादा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी कंटिन्यूस फेज। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी तो समझ आएगा। ड्राई गम मेथड में क्या होता है, ड्राई गम मेथड और कॉन्टिनेंटल मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड इमल्सिफाइंग एजेंट इज मिक्सड विथ ऑयल। सबसे पहले जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे बिफोर एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखो ये ड्राई गम है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ये ड्राई गम मेथड है, तो इसमें पहले हम वाटर नहीं मिक्स करेंगे, पहले उसे गीला नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई गम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ऑयल को डालेंगे। क्लियर, ऑयल को हम इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, द मेथड इज़ ऑल्सो, इस मेथड को 4:2:1 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल लेते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर लेते हैं और 1 पार्ट ऑफ गम लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ऑयल ले लिया 4 पार्ट, यानी 4 वॉल्यूम ऑफ ऑयल, और 1 पार्ट आपने लिया गम का। ठीक है, इन दोनों को पहले मिक्स किया। ठीक है, दिस एडेड टू द प्राइमरी इमल्शन, इसको फिर आप क्या करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे। इसको हम प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए ट्राइचुरेट करेंगे। तो ट्राइचुरेशन इज कंटिन्यू टिल अ करेक्टरिस्टिक क्लिकिंग साउंड इज हर्ड एंड अ वाइट थिक क्रीम इज फॉर्म। ठीक है, इसको हम तब तक ट्राइचुरेट करेंगे जब तक एक क्लिकिंग साउंड ना आ जाए। जब वो क्लिकिंग साउंड आने लग जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी इमल्शन बन गया है। ठीक है, ठीक है, और जैसे ही प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा, वंस द प्राइमरी इमल्शन इज फॉर्म्ड, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, जो आपका ये वाटर 2 पार्ट्स में बचा है उसको भी हम फाइनल वॉल्यूम में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लेंगे ऑयल प्लस इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, उसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट को, तब, और इसका प्रोपोर्शनल क्या रहता है, 4:2:1 में। ठीक है, तो अब इस प्रोपोर्शन में हम ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट लिए, तो ऑयल का रेशियो कितना बताया मैंने, 4 पार्ट्स में लेंगे, और इमल्सिफाइंग का एजेंट का कितना बताया, 1 पार्ट में लेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किए, इनको तब तक मिक्स करते जाना है जब तक ये क्लिकिंग साउंड ना आ जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद हल्का सा वाटर डालेंगे और मिक्स करेंगे, क्लिकिंग साउंड आ जाएगा। ठीक है, जब क्लिकिंग साउंड आ जाएगा तो आप वाटर या फिर ऑयल, जो भी आपका कंटिन्यूस फेज में होगा, उससे आप फाइनली वॉल्यूम मेकअप करेंगे फाइनल इमल्शन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये था आपका ड्राई गम मेथड। क्लियर? वेट गम मेथड क्या होता है? वेट गम मेथड और इंग्लिश मेथड क्या होता है? इसका भी सेम प्रोपोर्शन रहता है, 4:2:1, सेम प्रोपोर्शन इसमें भी रहता है, सेम प्रोपोर्शन में इसमें भी लेते हैं। क्लियर? The method same proportion of oil, water and gums are used as dry gum method, but order of mixing is different. वही मैंने आपको शुरू में भी बताया कि order of mixing अलग है। उसमें हम क्या ऐड करते हैं, पहले हम, क्योंकि वो dry gum method है तो oil और emulsifying agent लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम gum और water को पहले triturate करेंगे। क्लियर हो गया डिफरेंस? इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्टली गम एंड वाटर आर ट्राइचुरेटेड टू फॉर्म अ म्यूसिलेज, देन अ ग्रेजुअली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल इज एडेड एंड ट्राइचुरेटेड टू फॉर्म प्राइमरी इमल्शन। ठीक है, जैसे ही गम और वाटर को हम अच्छे से ट्राइचुरेट कर लिए, एक म्यूसिलेज फॉर्म कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और फिर उसको ट्राइचुरेट करेंगे और प्राइमरी इमल्शन फॉर्म करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी इमल्शन फॉर्म हो गया है, जब उसमें क्लिकिंग टाइप की साउंड आने लग जाएगी, जब हम ट्राइचुरेट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो प्राइमरी इमल्शन फॉर्म कर लिया। ठीक है, देन वंस अ प्राइमरी इमल्शन इज फॉर्म, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर और ऑयल इज एडेड टू मेक अ फाइनल इमल्शन। जैसे ही प्राइमरी इमल्शन आया, उसमें हम रिमेनिंग क्वांटिटी, अगर ऑयल इन वाटर है तो वाटर डालेंगे फाइनल इमल्शन बनाने के लिए, अगर वाटर इन ऑयल है तो ऑयल डालेंगे, एंड जो कंटिन्यूस फेज में होगा उसके थ्रू हम अपना फाइनल वॉल्यूम को मेकअप करेंगे। क्लियर हो गया। ड्राई गम मेथड क्या होता है, वेट गम मेथड क्या होता है। इसमें क्या कर रहे थे हम, ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट को पहले मिक्स कर रहे थे और इसमें हम वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट या गम को पहले मिक्स कर रहे थे। ठीक है, बाकी के प्रोसीजर सेम है। हम उसको अच्छे से ट्राइचुरेट करेंगे, उसमें प्राइमरी इमल्शन फॉर्म करेंगे। प्राइमरी इमल्शन के बाद हम उसमें फाइनल वॉल्यूम मेकअप करके उसको फिर से ट्राइचुरेट करके इमल्शन फॉर्म कर लेंगे। ऐसे इमल्शन अगर हम इस प्रोसीजर से बनाएंगे तो उसमें क्रैकिंग या फिर इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो इमल्शंस की होती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, वो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे बहुत देर तक। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट मेथड आता है हमारा बॉटल मेथड। इसमें हम बॉटल में प्राइमरी इमल्शन को भर देते हैं और इसका बेसिक हमें क्या काम होता है पता है, कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं अगर हम उसको ट्राइचुरेट करेंगे तो वो ट्राइचुरेशन के प्रोसेस के समय वो पूरा इवॉल्व हो जाएगा, पूरा इवापोरेट हो जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा। तो हमें इमल्शन में आने का क्या मतलब हुआ, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉटल के अंदर डाल के फिर शेक करते हैं कि अगर बॉटल के अंदर वो पैक्ड रहेगा तो जो उसके इवापोरेशन वाली जो वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, वो हम उसको बॉटल के अंदर ही स्टोर करके रख सकते हैं और वो फिर स्टेबल रहेगा। ठीक है, दिस मैथड इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग इमल्शंस कंटेनिंग वॉलेटाइल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल्स। जो नॉन विस्कस ऑयल्स होते हैं, जो भी वोलेटाइल्स भी होते हैं, उस टाइप के ऑयल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें वो ड्राई गम और वेट गम मेथड कैन बी यूज। ड्राई गम मेथड से पहले ऑयल और वाटर, पहले ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट डालो या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट और वाटर डालो, कुछ भी पहले डाल दो, दोनों यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दिस पाउडर्ड गम इज प्लेस्ड इन ड्राई वाटर। इसमें क्या करते हैं, पाउडर गम को ड्राई वाटर में डालते हैं। 2 parts ऑफ ऑयल और लिक्विड इज एडेड। 2 part में ऑयल और लिक्विड को ऐड करते हैं और फिर उसको शेक करते हैं थॉरोली बाय कैपिंग द कंटेनर। कंटेनर को अच्छे से कैप करके उसको शेक करते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अ सेकेंड लिक्विड यानी कि अगर ऑयल आपने यहाँ पे लिया है 2 parts में तो वाटर हो जाएगा आपका सेकेंड लिक्विड। अगर वाटर आपने लिया है 2 parts में तो आपका ऑयल हो जाएगा सेकेंड लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिक्विड वाटर और ऑयल इज एडेड टू द अप्रॉक्स इक्वल टू फर्स्ट लिक्विड। जितना आपने फर्स्ट लिक्विड यानी 2 parts में डाला था वैसे ही आप 2 parts में सेकेंड लिक्विड भी डालोगे और फिर शेक करोगे टू फ्रॉम अ प्राइमरी इमल्शन। ठीक है, 2 parts में डाल दिया, फिर उसको शेक कर लिया तो प्राइमरी इमल्शन हो गया। मोर वाटर इज एडेड इन स्मॉल प्रोपोर्शन विद कंटिन्यूस एगिटेशन आफ्टर ईच एडिशन टू फॉर्म अ फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद जो भी ऑयल एंड वाटर जो भी टाइप का होगा उसको धीरे धीरे ऐड करके प्रॉपरली शेक करोगे तो आपका इमल्शन फॉर्म हो जाएगा। ये इमल्शन जो फॉर्म होता है वो बॉटल मेथड के लिए होता है और ये बेसिकली हर के लिए नहीं, सिर्फ वाटर वॉलेटाइल लिक्विड्स और अदर जो नॉन विस्कस लिक्विड्स होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी रहती है एनवायरमेंट से रिएक्ट वोलेटाइल नेचर के, उसे हम इस मेथड से करते हैं। ठीक है, ये थे आपके 3 मेथड्स और प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।